हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में। वैसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि अब हमारे एस्ट्रोनॉट्स मार्स तक में जीवन की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर धरती का सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले कैलाश पर्वत, जिसे इंग्लिश में माउंट कैलाश के नाम से दुनिया जानती है, उसमें ऐसा क्या अनसुलझा रहस्य छुपा है कि आज तक कोई आम इंसान माउंट कैलाश फतह ही नहीं कर पाया। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स का हवाला देते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने ईयर 2001 में माउंट कैलाश में क्लाइंबिंग और एक्सपेडिशन पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब क्या इसकी वजह सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट है या फिर कुछ और ही बात है, ये तो चाइनीज गवर्नमेंट ही बता सकती है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि माउंट कैलाश दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। दुनिया की कई माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने माउंट कैलाश से ऊंची ऊंची माउंटेन पीक जैसे कि माउंट एवरेस्ट तक को फतेह कर लिया है, और कई लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हाइट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8849 मीटर्स है, जबकि माउंट कैलाश की हाइट 6638 मीटर्स है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जाबाज माउंटेनियर्स के लिए माउंट कैलाश फतेह करना तो काफी इजी टास्क होना चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी माउंट कैलाश के टॉप तक नहीं पहुंच पाया। अगर किसी ने यहाँ पहुंचने की कोशिश भी की तो या तो वो इंसान कहीं लापता हो गया, या फिर अगर वो वापस लौट भी गया तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब यहाँ फिर से एक ही सवाल उठता है कि आखिर माउंट कैलाश में ऐसी कौन सी शक्ति छुपी है कि जो इंसानों को यहाँ कदम रखने तक से रोक देती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के छुपे हुए रहस्य को लेकर अलग अलग धर्म ग्रंथों में कई बातें लिखी हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग है तो कैलाश पर्वत के नीचे मृत्यु लोक। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कैलाश पर्वत महादेव शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, साथ ही स्वर्ग जाने का एक रास्ता भी है। वहीं जैनिज्म, बुद्धिज्म और एंशियंट टिबेटियन बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत एक पूजनीय पर्वत है। यानी कि अगर धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को मान लिया जाए तो कैलाश पर्वत क्योंकि एक पूजनीय पर्वत है, इसलिए यहाँ पर मौजूद अलौकिक शक्ति की वजह से यहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच सकता। बताया जाता है कि एक बार टीम बनाकर एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और दो रशियन हाइकर्स ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मौजूद जलधारी तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इस यात्रा के दौरान अचानक ये चारों हाइकर्स गायब हो गए। और फिर जब लगभग एक हफ्ते बाद इन चारों हाइकर्स को खोज निकाला गया तो इन सभी की हालत बद से बदतर थी। जहां एक तरफ ये सभी लोग काफी कमजोर हो गए थे तो वहीं दूसरी तरफ ये सभी लोग अपनी वास्तविक उम्र से काफी ज्यादा बड़े लग रहे थे। यस फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि माउंट कैलाश के रीजन में समय काफी तेजी से भागता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, बट अगर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को माना जाए तो इसके अनुसार जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व आकर्षण स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ समय काफी धीमा चलता है। ऐसे में क्योंकि माउंट कैलाश धरती का सेंटर पॉइंट है एंड सी लेवल से काफी ज्यादा ऊपर भी है, इसीलिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के सी लेवल के आसपास के इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि एक रीजन हो सकता है कि माउंट कैलाश के आसपास के इलाके में समय के तेजी से भागने की बात क्यों कही जाती है। अब चलिए वापस उन चार हाइकर्स के टॉपिक पर आते हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मौजूद जलधारी तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिसमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और दो रशियन हाइकर्स थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये चारों हाइकर्स माउंट कैलाश में चढ़ते हुए अचानक गायब हो गए थे, बट जब ये एक हफ्ते बाद दोबारा मिले तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जहाँ ये सभी काफी कमजोर हो गए थे, वहीं इनकी उम्र बढ़ चुकी थी। इसका रीजन मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। इतना ही नहीं, इन सभी हाइकर्स की मेंटल हेल्थ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, यानी कि ये हाइकर्स अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे, जिसके बाद हालांकि इन सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन इससे पहले कि ये चारों लोग कैलाश पर्वत के रहस्य से कुछ पर्दा उठा पाते, इन सभी की एक एक करके मौत हो गई। अब इस हादसे को क्या समझे? क्या ये सब इन चार हाइकर्स के साथ इसलिए हुआ क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पवित्र पर्वत के छुपे हुए रहस्य को खोलने निकल गए थे, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह छुपी है?
एज पर साइंस माउंट कैलाश इज सेट टू बी डायमंड शेप्ड एंड मेड अप ऑफ ब्लैक कसौटी स्टोन। इसकी ढलान की बात करें तो माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये ढलान 40 से 60 डिग्री तक है, जिसकी वजह से कई लोग माउंट एवरेस्ट फतह कर पाने में सफल हो जाते हैं। बट क्योंकि माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ चढ़ पाना किसी एक्सपर्ट माउंटेनियर तक के लिए आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। साइंटिफिक एंगल से इसके अलावा भी कई और कारण हैं जिसकी वजह से क्लाइंबिंग माउंट कैलाश इज स्टिल डेट अ मिशन इम्पॉसिबल। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल और फ्रीजिंग होता है, या कि फ्रीजिंग ठंड को झेल पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी तरह इंसान यहाँ की ठंड को झेल भी ले, बट स्टिल माउंट कैलाश को फतेह कर पाना मुश्किल है, क्योंकि माउंट कैलाश इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स मैग्नेटिक एनोमलाइज वेयर कंपास नीडल डजंट पॉइंट नॉर्थ। यानी कि यह माउंटेनर्स को डायरेक्शन बताने वाला कंपास काम ही नहीं करता, इनफेक्ट यह किसी भी तरह का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। मैग्नेटिक एनोमलाइज की वजह से ही माउंट कैलाश के ऊपर से कोई एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन तक नहीं उड़ सकता। कॉज 1%, अगर कोई हेलीकॉप्टर माउंट कैलाश के रहस्य को जानने की कोशिश भी कर ले तो वो भी मिसडायरेक्ट होने की वजह से कुछ देर उड़ान भरने के बाद ही क्रैश हो जाएगा। बताया जाता है कि इटालियन माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर, जो कि माउंट एवरेस्ट को अकेले फतेह करने वाले पहले इंसान है, उन्हें मिड 1980s में चाइनीज गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी थी। बट यू नो व्हाट, इतने एक्सपर्ट माउंटेनियर होने के बावजूद उन्होंने माउंट कैलाश पर चढ़ने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि इफ वी कॉन्कर दिस माउंटेन देन वी कॉन्कर समथिंग इन पीपल्स सोल, आई वुड सजेस्ट दे गो एंड क्लाइम समथिंग अ लिटिल हार्डर। वेल, इतनी डीप बात माउंट कैलाश को लेकर माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर ने कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। माउंट कैलाश के रहस्य को लेकर इसी तरह के कई और भी किस्से कहानियां हैं जो घूम फिर कर यही कहते हैं कि माउंट कैलाश को फतेह कर पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। माउंट कैलाश के बारे में आप क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या कैलाश पर्वत में वास्तव में कोई डिवाइन पावर या स्पिरिचुअल शक्ति है, या फिर जो साइंस कारण बताता है उसकी वजह से ही लोग माउंट कैलाश को आज तक फतेह नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, माउंट कैलाश की अनसॉल्व मिस्ट्रीज को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।